ऑक्सीजन की कमी से टूट रही सांसों की डोर को बचाने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में पीएम केयर्स फंड से सरकारी अस्पतालों में 551 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट तैयार किए जाएंगे। भारत से अमेरिका जाने वाली उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि देखने को मिली है। भारत से अमेरिका जाने वाली उड़ान में एक टिकट का औसत किराया 50,000 रुपये था, जो अब बढ़कर 1.5 लाख रुपये हो गया है। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने वैक्सीन की कमी का हवाला देते हुए टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि 1 मई से कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के हर नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा और उस पर आने वाला खर्च सरकार खुद उठाएगी। ये जानकारी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दी। दिल्ली में 7 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम के मन की बात कार्यक्रम के बाद कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, सिस्टम फेल है, इसीलिए जनहित की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए कोरोना से बचाव और संक्रमण से निपटने के लिए जारी तैयारियों पर चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल के मणिकचक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने कहा कि ममता जी, बंगाल के लोग आपके अत्याचार से मुक्ति चाहते हैं, लोग अब आपसे डरने वाले नहीं हैं। कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग में रेलवे भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने के साथ ही कोविड केयर कोच की तैनाती भी स्टेशनों पर शुरू की गई है। कोविड मरीजों के उपचार के लिए 5,601 ट्रेन के डिब्बों को कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया है। देश में सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरों की बाढ़ आ गई है, जिसे देखते हुए गृह मंत्रालय के निर्देश पर आईटी मंत्रालय ने ऐसी 100 से ज्यादा पोस्टें हटवा दी हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।